यूट्यूबर्स का ये असली चेहरा जो आप नहीं जानते थे। ऐसे इस आदमी को मरने के बाद भी गवर्नमेंट पेंशन दे रही थी। और दुनिया में सबसे महंगा इंटरनेट पैकेज कौन सा है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, इस 30 साल से मर चुके आदमी को लोग जिंदा मान रहे थे। टोक्यो में 111 साल का एक आदमी रहता था। ऐसा बस टोक्यो की गवर्नमेंट को लगता था, क्योंकि वो उसे जिंदा समझ रहे थे और हर साल उसे पेंशन भी भेजते थे। और इतना ज्यादा जीने के लिए जब वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने गए तो उन्हें पता चला कि वो 30 साल पहले ही मर गया था, लेकिन उसकी फैमिली ने बात छुपाई थी ताकि वो पेंशन के पैसे से ऐश कर सके। फैक्ट नंबर 9, इस आस्था में डायमंड्स काफी लग्जरियस चीज लगती है, लेकिन जब हम दूसरे प्लेनेट पर रहने पहुंच जाएंगे तब लकड़ी सबसे ज्यादा महंगे बिल्डिंग मटेरियल में से एक बन जाएगी, क्योंकि बाकी सारे प्लेनेट पर मार्बल, सिल्वर, गोल्ड ऐसे पत्थर तो मिल जाते हैं। यहाँ तक कि एक प्लेनेट तो पूरा डायमंड से बना हुआ है, लेकिन पेड़ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अर्थ पर है। फैक्ट नंबर 8, इस पैरट और रेबिट बहुत ही अलग जानवर है, लेकिन ये दोनों अकेले ऐसे जानवर है जो अपनी बॉडी को बिना हिलाए अपने पीछे तक देख सकते हैं। इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी है ताकि ये अपने आप को कैसे भी शिकारियों से बचा सके। फैक्ट नंबर 7, इस रीजनरेटिव कैंडल को देखो। इस कैंडल को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे ये कैंडल पिघलती है वैसे ही ये नीचे से फिर से शेप लेने लगती है, और हर बार जलने से पहले इसके नीचे बस आपको एक थ्रेड लगा देना है। फैक्ट नंबर 6, इस बंदे को शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके गाने को तो आपने जरूर सुना होगा। इसका नाम है एकन, और ये पूरी दुनिया में रिंगटोन के मामले में नंबर 1 है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी रिंगटोन यूज किए जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा रिंगटोन इनकी ही होती है। और एक फन फैक्ट ये है कि रावण का चमक चलो गाना इन्होंने ही गाया था। फैक्ट नंबर 5, एक बार इस वीडियो को देखो जो हमें बताता है कि डिज्नी अपने एनिमेशन को कितना ज्यादा रीयूज करता है। ये एनिमेशन पूरे सेम टू सेम है, और ये एक दो की बात नहीं है। वो हर एक एनिमेशन स्टूडियो ऐसा करते हैं, वो अपने कई सारे कॉमन एनिमेशन को सेव करके रखते हैं और वो उसे बार बार अलग अलग मूवीज में यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, एक सड़ा हुआ कंप्यूटर 6.5 करोड़ रुपए में बिका, जिसे स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज में बैठ के बनाया था। यानी कि आज जो एप्पल के बड़े बड़े कंप्यूटर आते हैं ये उसके बाप है, इसलिए कंप्यूटर से ज्यादा एक इतिहास का हिस्सा है। और 2014 में जब इसका ऑक्शन हुआ था तब इसे 6.5 करोड़ में खरीदा गया था। फैक्ट नंबर 3, अगर कोका कोला की कैन गलती से भी हिल जाती है तो उसमें कोका कोला से ज्यादा तो झाग निकल जाता है, लेकिन ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक को अगर आप स्पेस में खोलोगे और उसे कितना भी शेक करोगे पर फिर भी उसके अंदर से झाग नहीं निकलेगा। फैक्ट नंबर 2, इस कई यूट्यूबर सोशल मीडिया पर जितने ज्यादा डाउन टू अर्थ बनते हैं उतने रियल लाइफ में नहीं होते। जैसे कि आईसो स्पीड फॉरेन में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर है, लेकिन ये जितने फ्रेंडली लगते हैं उतने है नहीं, क्योंकि जब एक यूट्यूबर इनके साथ इनकी परमिशन लेकर वीडियो बनाने गया था तो ये इनके साथ बहुत रूडली बिहेव किए थे और ढंग से वीडियो भी शूट नहीं किए थे। और इंडिया में सौरभ जोशी भी काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हाल ही में इनको भी बोला जाता है कि ये एटीट्यूड किंग है और फैंस को भी नहीं मिलते और ढंग से भी बात नहीं करते। फैक्ट नंबर 1, तो इस दुनिया का सबसे महंगा इंटरनेट पैकेज कौन सा है? अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में ACT की का सबसे महंगा इंटरनेट ब्रॉडबैंड है, जो कि महीने के 6000 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बदले में 1000 MBPS की स्पीड देते हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। और आपको ऑलमोस्ट 900 से लेके 950 की स्पीड तो हमेशा देखने को मिलती है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में सबसे महंगा इंटरनेट सेंट हेलेना का है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 GB इंटरनेट के लिए $47 देने पड़ते हैं, यानी कि बस 1 GB के लिए 4000 रुपए। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।